हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं कुछ बेहतरीन चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि 2.5 घंटे इंटरव्यू लेकिन रिजेक्टेड। एक्चुअली ये बात है 2016 की, कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था CCNA के लिए और आई वाज वेरी गुड एट दैट टाइम इन CCNA। और क्या हुआ कि मैं एक इंटरव्यू देने गया जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर की कोर प्रोफाइल थी। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, ऐसा उस टाइम मैंने, जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी थ्योरी, आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर आप खासकर फ्रेशर हैं तो, या फिर आप जो प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर में आप जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो कंसेप्ट हैं और आपके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको होने चाहिए एकदम तासु वाले रिमेंबर। ठीक है, तो अपने साथ क्या था कि अपन मतलब नेटवर्किंग में मूव कर रहे थे, आती थी लेकिन CCNA किया तो सोचा कि चलो भाई ठीक है, कोर नेटवर्किंग की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही मैं इंटरव्यू देने पहुंचा तो मेरे सामने चार बंदे बैठे थे। ठीक है, एक HR था, बाकी तीन जो बंदे थे वो टेक्निकल थे और वो सारे नेटवर्क इंजीनियर ही थे, सीनियर लाइक टीम लीड इस तरह से थे। सो, वो इंटरव्यू वहाँ पे उन्होंने 6 A4 पेपर थे एंड चार तीन वो बंदे थे पूछने वाले, एंड दे आर लाइक स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड वो हर चीज़ मेरे से पूछ रहे थे। और तुम्हारा भाई जो है जैसे तैसे कर रहा था, आंसर दे रहा था। तो वहाँ पे 6 A4 में से मैंने 4 A4 दोनों साइड से भर दिए, क्योंकि वो मेरे से पूछ रहे थे कि ये चीज़ अगर आपको अपने कोई कम्युनिकेशन करना है या फिर अपने राउटिंग करनी है तो आप कैसे राउटिंग करोगे, क्या कंसेप्ट रहेगा और किस तरीके से आप जो है जो कमांड्स रहती हैं क्या कमांड आप रन करोगे और किस तरीके से आप उसमें कम्युनिकेशन कराओगे और किस तरीके से आप जो है ये कंसेप्ट बता रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर पे भी मेरे से लिखवा रहे थे और हर चीज़ मेरे से पूछ रहे थे। तो इट्स वॉज गोइंग वेरी वेल। अब आपको भी पता है कि इंटरव्यू जब वेल जाता है तो ही लेंथी होता है, अदरवाइज वो कभी भी लेंथी नहीं होता है। ये बात आपको भी पता है, अगर आपने इंटरव्यू पियर किए हैं तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो 5 मिनट भी नहीं लेगा आपके, और अगर आपको आता है तो वो आपसे पूछने में जितना वो मैक्सिमम आपसे पूछ सकते हैं, जितना वो खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, तो वो आपका इंटरव्यू कंटिन्यू रखेंगे। राइट, तो इंटरव्यू चल रहा था, काफ़ी अच्छा जा रहा था। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई हर कोई 100% देता है, लेकिन आई वॉज़ 95% दैट टाइम, तभी तो इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, इवन सबनेटिंग एंड राउटिंग एंड स्विचिंग, सारे उन्होंने चीज़ मेरे से पूछी और हर चीज़ मैंने जो है उनको पेपर पे, इवन उन्होंने ऐसे मेरे को एग्ज़ाम्पल और नेटवर्क बना के दिए थे और मैंने वो सारी चीज़ें जो है उनको बताई थी। राइट, फिर क्या होता है कि HR से मतलब उन लोगों ने मेरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो लोग जो तीन पैनल रहता है, जो चार बंदों का पैनल था वहाँ पे तीन बंदों तीनों ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। और HR से जब HR राउंड मेरा हुआ, इनिशियली यू कैन से कि HR वहीं पे बैठा था, लेकिन वो फिर जब उसका राउंड आया तो ही सेड कि आपको जो है मूव करना पड़ेगा, मतलब आपको लोकेशन जो है मूव करनी पड़ेगी और आपको हमारे मतलब ऑफिस के नियर बाई आपको रहना पड़ेगा। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि आप कब तक मूव कर लेंगे और आप अगर ज्वाइनिंग से पहले आप मूव कर लें तो भी आप जो है अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि यहाँ तक अगर आपकी बात हो जाए कि HR आपको बोल रहा है मूव करने के लिए और बोल रहा है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके आप मूव कर लेना और सैलरी वगैरह डिस्कशन आपकी हो चुकी है, तो आप क्या सोचेंगे कि आप रिजेक्टेड हैं या फिर आप सेलेक्टेड हैं? सो आई वॉज़ वेरी होप, मतलब मैं काफ़ी खुश था और होप थी कि चलो भाई ठीक है, वेल एंड गुड, सब सही हो जाएगा। तब इतने में मैन विलन की एंट्री होती है। ठीक है, मतलब जो भी हेड थे वो वहाँ पे, उनकी एंट्री होती है एंड ही स्टार्ट आस्किंग मी अगेन ऑल थिंग्स, मतलब
उस उन्होंने मतलब अपने लेवल से उन्होंने वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनकी क्या था उनका कैसा था आई डोंट नो, बट उन्होंने फिर से मेरे से वो सब चीज़ें पूछी जो मैं ऑलरेडी बता चुका था। जो 6 पेपर थे वो 8 हो गए, और 8 में से 4 मैं ऑलरेडी फिल कर चुका था दोनों साइड से, और जो बाकी के 4 बचे थे वो भी मैंने फिल किए थे पूरा, उनको एक एक चीज़ मैंने बताई। ठीक है, तो मैंने बस वहाँ पे क्या बोला कि भाई मेरे को नेट इधर नेटवर्क इंजीनियरिंग में या मतलब कोर नेटवर्किंग में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है वो सारी प्रैक्टिस मैंने जो है सिमुलेटर पे, या फिर मैंने जो ट्रेनिंग में जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी नोएडा में, तो मैंने वहाँ पे जो डिवाइसेस थी वहाँ पे सारी प्रैक्टिस की है। तो उनका कहना था कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि 8 पेज मैंने भर दिए और मैं कंसेप्ट उनको हर एक चीज़ कंसेप्ट में उनको आंसर दे रहा हूँ, लेकिन उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि इसके कितने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं या फिर इसकी कमांड जो है कितनी अच्छी हैं, इसको सारी कमांडें पता हैं, बट उनको उस चीज़ से मतलब नहीं था। वो आई डोंट नो क्या ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं पता है उनका क्या एक्सक्यूज़ था, वो मैं एक्चुअल में पता भी नहीं कर पाया कभी भी, और ना मेरे को कभी हिंट मिला कहीं से। लेकिन जब उन्होंने मतलब 2 घंटे मेरे पहले हो चुके थे, फिर आधा घंटा बचा था, आधा घंटा उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो बाकी फटाफट सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि आई डोंट नो उनको क्या लगा और कहाँ से क्या चीज़ मेरी मिस हुई, मुझे आज तक नहीं पता चला कि कैसे क्या हुआ वो सब, क्या था वो दिन। ठीक है, तो हर कोई अगर आप 2 घंटे इंटरव्यू देते हो और आपको वेट करने को बोला जाता है कि और आपकी ये सारी चीज़ें बात हो जाती हैं कि भाई आप सिलेक्टेड हो या फिर आपको रहना पड़े, मतलब आपका हर चीज़ डिस्कशन हो जाती है, तो हर किसी को होप होती है राइट, और फिर उसके बाद आपको रिजेक्शन मिलना, तो एक थोड़ा सा ना दिमाग हिल जाता है, मेरा भी हिला था। इवन जो रास्ता था वो मैं भूल गया था, मतलब इतना मैं खो गया था कि जैसे अगर जा रहा था तो जहाँ से मुझे एग्जिट करना था मतलब टर्न करना था, मैं वो टर्न नहीं करा और मैं मतलब भूल गया कि मेरे को फिर 500-600 मीटर आगे जाके वापस आना पड़ा, जब थोड़ा सा दिमाग सही हुआ। क्योंकि मतलब आपको जब होप होती है और आप एक अच्छी तैयारी करके आते हो और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते हैं राइट, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब होता है और आपको लगता है यार अपन यूजलेस हैं, और आपको मतलब आपको डाउन फील होता है राइट। तो ये स्टोरी मेरे को, मेरा बताने का मतलब ये है कि भाई अपन भी रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में अपीयर कर रहा था तो भाई मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मैंने 2.5 घंटे इंटरव्यू, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा काफ़ी मतलब यू कैन से कि मेरा लगाव था इससे, कि मैं काफ़ी उम्मीद थी और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने आज तक के जितने मेरे इंटरव्यू हुए हैं उस इंटरव्यू में मेरा बेस्ट था और मैं उसी में रिजेक्ट हुआ था राइट। मैंने अपना बेस्ट दिया था, आप सोच सकते हो कि 8 A4 पेपर, ब्लैंक A4 पेपर आप दोनों साइड से मतलब 16 पेपर आपने फिल किए हैं, जो कुछ भी उन्होंने पूछा आप उन्होंने बताया, आपने नेटवर्किंग, आपने सबनेटिंग बताई, सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबनेटिंग बताई, फिर आपने VLSM और FSLM सारे कुछ करके दिखाए, फिर आपने स्विचिंग भी दिखाई, फिर आपने स्विचिंग भी एक अलग पार्ट होता है, आपको पता है VTP VLAN वगैरह सारे क्रिएट करने होते हैं, फिर L3 L2 स्विच दो तीनों आ जाते हैं, फिर उसके बाद राउटिंग के अंदर आपकी किस तरह की राउटिंग होती है, क्या कंसेप्ट रहते हैं, वो सारी चीज़ें पूछते हैं राइट। तो कई बार होता है कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है या आपकी जो नॉलेज है अगला बंदा नहीं पहचाने, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आप ये मत देखो कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या फिर मैं क्या होऊंगा, आप ये देखिए कि आपने किस इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर आपने कितने अच्छे से दिया राइट। अब ये तो नहीं है ना कि डेफिनेशन तो आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी डेफिनेशन तो कोई बदल नहीं सकता भाई नेटवर्किंग की दुनिया में, तो आप कुछ तीसरी भाषा तो बता नहीं रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि भाई आप जो है ऐसे अगर फेस करते हैं तो प्लीज़ मतलब अपसेट मत होइए मेरी तरह, क्योंकि उस दिन मैं मतलब मैं बता नहीं सकता, जब मैं निकला तो मैंने 1.5 घंटा मेरे को लगा था, मतलब लगा नहीं था, मतलब मैं थोड़ा सा नए नए थे तो भाई थोड़ा सा फील हो गया था बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी देर बैठा हुआ था और मैंने फिर 1.5 घंटा अपने दोस्तों से बात करी, तब जाके मैं थोड़ा सा मतलब ओवरकम हुआ था उस सिचुएशन से, बिकॉज़ आप मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था सिंपल सी बात, और मैं ना मतलब कई दिन तो मैंने भूख तक उठा के नहीं देखी थी ना, आई वॉज़ वेरी अपसेट बिकॉज़ कि मैंने इतना अच्छा दिया था लेकिन मेरा नहीं हुआ। ठीक है,
तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ फेस करते हैं तो भाई अपने आप को ऐसे मत समझना कि यार मतलब मैं यूजलेस हूँ या मैं पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यार डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसे रहती है, वो सैलरी कम देना चाहते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं, कैसा बंदा चाहते हैं, भाई वो उनकी रिक्वायरमेंट है। आप जो हो बी फेयर, और कोई ना कोई आपको ज़रूर पहचानता है और आपके टैलेंट को कोई ना कोई ज़रूर पहचानता है और वो आपको ज़रूर हायर करता है, क्योंकि जब उसको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए कामयाब है या मेरे लिए ज़रूरी है, तो वो आपको 100% आपको जो है हायर करते हैं बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, वो जो टैलेंट पहचान बोलते हैं ना कि टैलेंट पहचानना, तो टैलेंट पहचानना जो जानते हैं ना भाई, वही लोग आपको हायर करेंगे। और आपको ना बिल्कुल भी ऐसे मत होइए कि मैं फ़ेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप रिजेक्टेड होते हो या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप सिंपल सी बात है कि आप समराइज़ कीजिए कि आपने कि कैसा परफॉर्म किया इंटरव्यू के अंदर, उसने आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे, राइट। तो वो है ना कि मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर वो इंटरव्यू है, सपोज़ दैट कि अब 10 बजे आपका या 11 बजे आपका इंटरव्यू हो, और 11 बजे से लेके जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वो जो टाइम होता है 40 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, वो आपका लाइफ चेंजिंग होती है। वो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन आपको 1 ईयर करना पड़ता है और एग्ज़ाम आपको सिर्फ 3 आवर देना पड़ता है, और वो 3 आवर जो रहते हैं वही इम्पोर्टेंट रहते हैं कि आपने 1 साल में क्या किया है, वही आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका जो है लास्ट वो रहता है, और अगर आप जो है एग्ज़ाम मतलब हाँ अगर फेल होते हो तो आपका 1 ईयर एक और ख़राब होने की बात रहती है, राइट। तो वही चीज़ है कि जब आप इंटरव्यू से पहले जितनी आप प्रिपरेशन करते हो, जितना माइंड सेट करते हो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाद में दोनों चीज़ होती हैं कि आप सिलेक्टेड होते हो या फिर रिजेक्टेड होते हो, तो आपको चूज़ करना है कि वो आधा घंटा, वो 1 घंटा आप क्या परफॉर्म करने वाले हो, राइट। तो अपनी तैयारी इतनी कीजिए कि आपको आप कैपेबल हो हर हर साइड से आंसर देने के लिए, राइट। हर तरीके का आपको आंसर देना आना चाहिए। सो गाइज यार प्रिपेयर कीजिए, और अभी भाई कंपटीशन बहुत होने वाला है, पहले इतना नहीं था, आई एम वेरी फेयर, लेकिन अब कंपटीशन बहुत होने वाला है बिकॉज़ बहुत लोग जॉबलेस है। मेरे पास खुद मैसेज आ रहे हैं या विन लोग पहुंच रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग जॉबलेस हैं यार। सो प्लीज़ आप जहाँ पे भी हैं वेल कीजिए और अपना सीखिए, मैं यही चीज़ बोलूँगा बार बार कि आप लर्न कीजिए, और दैट्स इट। ठीक है, सो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, थोड़ा मोटिवेट करेंगे आपको, एंड जय हिंद।